अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है सारे व्यूअर्स खैरियत से होंगे। आज मैं दोबारा अगला के साथ यहाँ पे तशरीफ लाया हूँ और आज एक ऐसा ही टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो कि अगिल भाई पहले डिस्कस कर चुके हैं। असल में आज का टॉपिक है क्लाइमेट चेंज, और मैं समझता हूँ क्लाइमेट चेंज कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं बल्कि दहशतगर्दी से ज्यादा खतरनाक चीज है क्लाइमेट चेंज। क्योंकि अगर आप दौरे हाल में देखें तो पहले इनहेल की प्रॉब्लम किसी इंसान को बहुत कम दर होती थी, और आप अभी देखें तो हर इंसान को सांस की प्रॉब्लम होती है। क्यों? बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। अगर आप देखें कि बाइकें जाती हैं तो अब जो है ना इस दौर में कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ताक में जो है ना बहुत ऊंचाई छू रहा है कार्बन डाइऑक्साइड भी, जिसकी वजह से जो है ना बच्चों जो छोटे बच्चे वो भी जो है ना बीमार हो रहे हैं, और आबादी में भी कमी इसी वजह से हो रही है। और जो है ना अब जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इस वजह से जो है ना जमीन भी जो है ना बंजर होते जा रही है, पानी में कमी हो रही है, और जो है ना जो एंटार्क्टिका का साइट है वो भी जो है ना कमी हो रही है, हर चीज में जो है ना कमी हो रही है, इंसान की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो ऐसा ही जो है ना क्लाइमेट चेंज, पहले तो अगले आपसे पूछेंगे कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है और इस पे हम काबू कैसे करेंगे जब ये हो रहा है, और अगर इस पे हम काबू नहीं कर सकते तो इसके बुरे नतीजे हम पे क्या असर होंगे। देखें सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूंगा, इफ यू नॉट किल इट इट विल किल यू। अगर आपने इसको नहीं खत्म किया तो ये आपको खत्म कर देगा बेशक। और दूसरी तरफ वी आर रेडी टू वेयरिंग द मास्क बट वी आर नॉट रेडी टू प्रिवेंट अननेसेसरी एक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स विच इज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज असल में देखें बहुत ही समझ ले, जैसे आपने इंट्रो में आपने बात की, ये एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक है। एटम बम तो किसी एक इलाके को खत्म करेगा, एक इलाके को नुकसान देगा, लेकिन क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया को खत्म करके रखेगा। ये इतना खतरनाक इशू है कि 2012 की जो रिपोर्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, उसके मुताबिक 2012 में जो यानी कि जो लोगों की जो डेथ हुई है क्लाइमेट चेंज में वो तकरीबन उसकी तादाद 7 मिलियन है, यानी कि 70 लाख के करीब लोग जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से मारे जा रहे हैं। अब देखें क्लाइमेट चेंज का नुकसान क्या है। पहले तो क्लाइमेट चेंज है क्या, ये जितनी भी आप देख रहे हैं ये फॉग हो रही है, स्मोक हो रही है, और ये जो पॉल्यूशन हो रही है सारा जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। और क्लाइमेट चेंज असल में 3 चीज़ों से होता है, या तो एयर पॉल्यूशन होगी, या वाटर पॉल्यूशन होगी, और या तो लैंड पॉल्यूशन होगी। ये 3 चीज़ों की है, और विंड पॉल्यूशन यानी जो एयर पॉल्यूशन है, तो ये सारी चीज़ों को अफेक्ट करेगा आपकी, ये आपकी बीमारियाँ, क्योंकि जैसे आपने बीमारी का डिस्कस किया, इससे कौन कौन सी बीमारी होगी, जैसे आपने कहा बच्चों को खांसी होती है, उसको असल में जो साइंस की लैंग्वेज है उसको एस्थमा कहते हैं। एस्थमा हो गया, लंग्स कैंसर हो गया, डायरिया हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, ये सारी बीमारी क्लाइमेट चेंज की वजह से होगी। अब क्लाइमेट चेंज ये इंसान का बनाया हुआ है, आप देखें जी जी। अगर इसको थोड़ी और गौर से देखें, ये जितने भी फैक्ट्रीज हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, ये क्या जो है ये धुआं जो प्रोड्यूस कर रही हैं वो तो खुद अमीर हो रहे हैं, यानी कि वो अपना बिजनेस और वसी करते जा रहे हैं, इनहांस करते जा रहे हैं। उसकी वजह से जो 7 अरब की जो आबादी है पूरी दुनिया की वो सारी इफेक्ट कर रही है। इसके अलावा एक स्वीडन की एक गर्ल है जो कि फ्राइडे की छुट्टी करके इसके खिलाफ एहतजाज कर दिए, जैकिंडा अर्डन नाम है उसका, स्वीडन से ताल्लुक है उसका। उसने देखे इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया, बच्ची ने 16 साल की बच्ची को वो सबको उजागर कर रही है कि अगर क्लाइमेट चेंज पर हमने कोई एक्शन नहीं लिया अभी तो ये पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन को नेस्त नाबूद कर देगा। अच्छा इसके देखें असरात क्या हो रहे हैं, जितने भी आपके जो ये एक रिपोर्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक, और उसमें ये कहा गया है कि दुनिया में जो पेशेंट अस्पतालों में एडमिट होते हैं उसमें 70% जो लोग हैं वो पोल्यूशन की वजह से, क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट की वजह से एडमिट होते हैं। तो ये कितना बड़ा साइंस है, यानी कि हर चीज, हर यानी कि एक एग्जांपल आपको ये बता रही है क्लाइमेट चेंज पर अगर आपने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, दुनिया ने इसके बारे में नहीं सोचा, तो ये पूरी दुनिया को नेस्त नाबूद कर देगा, ना कि सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को। तो मैं समझता हूँ कि इसमें आपको सोचने की जरूरत है, आपको इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, वरना ये आगे जाके जो है ना बिल्कुल ही हमारी जो पॉपुलेशन है उसके लिए काफी नुकसानदार साबित होगा। देखा आपने कि क्लाइमेट चेंज से हमें कितना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, यानी कि हमें दूसरे ममालिक से डरने की तो जरूरत नहीं है, हमें अपने आप से डरने की जरूरत है कि हम इतना पॉल्यूशन क्यों बढ़ा रहे हैं। तो बराह मेहरबानी इस पॉल्यूशन को जितना हो सके उतना काबू करें, और जो है ना अपनी बाइकों से या कारों से जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आते हैं उन पर फोकस करें, उनको ठीक कराएं जल्द से जल्द, और जो है ना क्लाइमेट चेंज से बचने की कोशिश करें। तो मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा, सॉरी आई इंटरप्ट यू,
मैं ये बात कहना चाहूंगा, देखें अगर हम जहर पीते हैं, यानी कि मैं जहर का प्याला पीता हूँ और मैं ये सोचता हूँ ये दूसरे को असर करेगा, यानी कि ये ऐसी वाली बात है कि मैं अपनी गाड़ी से तो धुआं निकाल रहा हूँ, अपनी फैक्ट्री से तो धुआं निकाल रहा हूँ, लेकिन वो औरों के लिए, तो ये कभी भी ऐसा नहीं होता। यह जो आप कर रहे हैं ये आपकी नस्लों के लिए है, और यकीन करें आने वाले वक्त में जो हमारी नस्लें आएंगी वो हमें जो है वो ये हमारे को यानी कि वो हर पहलू में हमें ये कहेंगी कि ये इस तरह का क्लाइमेट, इस तरह की आबोहवा में हम उसको देखे जा रहे हैं। हमें अपनी जनरेशन के बारे में सोचना है, हमें अब आने वाली नस्लों के बारे में सोचना है, वो हम उनको क्या माहौल देकर जा रहे हैं। इससे पहले अगर 20 साल पहले का क्लाइमेट चेंज देखें तो पूरी यानी कि चेंज, अब ग्लेशियर पिघल रहे हैं उसकी वजह से, यानी कि फ्लूड्स आ रहे हैं, और इसके अलावा भी आप देखें जो नाइट्रोजन जो कि 78% एटमोसफेयर में मौजूद है, जो कि ओजोन लेयर यानी कि जो अल्ट्रावायलेट रेज ओजोन से आ रही है वो उसके रोके हुए, अगर ये एक्टिव हो गई तो फिर क्या होगा। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि यानी कि वो दूसरी सबसे बड़ी खतरनाक गैस है, और इसके अलावा जो इंसान यानी कि खुद यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और अपनी हरकतों से, फिर एक मोनो कार्बन मोनोऑक्साइड है जो कि हम लकड़ियों से जो धुआं निकल रहा है, जो जंगलात का जलने से धुआं निकला। अच्छा जंगलात पे मेरे को एक और बात याद हुई, आपको याद होगा बुश फायर में आग लगी थी ऑस्ट्रेलिया में, उसमें तकरीबन आपको पता है कितने जानवरों को यानी कि अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था, 500 मिलियन, 50 करोड़ जानवर इसमें हर चीज आती है। कोआला जो एक पांडा है आप देखें उसको यूट्यूब पर या नेट पर सर्च कर देखें, इतना खूबसूरत जानवर है, उनकी नस्ल ही मिट गई ऑस्ट्रेलिया से बुश फायर में जो आग लगी थी, आधे से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया जो है वो जंगलात पर मुश्किल नेस्त तो नाबूद हो गया। अब उससे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का नुकसान नहीं पहुंचा, उसके जो अजीब करीब मुल्क है खैर वो तो कुछ जजीरा न्यूजीलैंड है, फिर उसमें देखें, फिर ऐसे ही आग जो है ब्राजील में भी लगी थी एक दिन, अमेजोन जो दुनिया का सबसे बड़ा जो कि तो वो जो है वो भी जलकर राख हो गया था। अब जितने भी साउथ अमेरिकन कंट्रीज है वो सबको इसका नुकसान भरना पड़ रहा, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस एक्टिव हो गई। मैंने आपको बताया कि ये सारी गैसें एक्टिव हो चुकी हैं, तो इस पे मैं पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो है वो पूरी दुनिया में उनको पदराई मिलती है और वो एक अच्छे यानी के कप्तान है पाकिस्तान के, उन्होंने भी जो जो है 1 बिलियन ट्री सुनामी का जो एक इनिशिएटिव लिया वो बेहतरीन है, पाकिस्तान को दुनिया में इसको सराहा जा रहा है, पाकिस्तान अगर ये काम कर ले तो इंशाल्लाह हम जो है इससे बच सकते हैं, और पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है जो क्लाइमेट चेंज से असरअंदाज होता है। अब देखें ये सारी चीज़ें क्यों हैं, क्योंकि इस वजह से अगर हमने क्लाइमेट चेंज को नहीं रोका ये हमारी नस्लों के लिए काफ़ी नुकसानदार हो सकता है। अब आपने देखा कि आदिल भाई ने किस तरह जो है कितना बेहतरीन तरीके से डिस्कस करा, तो आपको चाहिए कि अब जो आदिल भाई ने इसका हल बताया उस पर आप अमल करें और इस क्लाइमेट चेंज को जल्द से जल्द खत्म करें आपके आने वाली जनरेशन के लिए। बहरहाल हमारे चैनल को फॉलो करें और अल्लाह हाफिज़।